ये देखिए कितने डिशेस लग रहे हैं, मैंने घर पर ही बनाए थे। ये दिल्ली के फेमस लड्डू होते हैं, राम लड्डू के नाम से मशहूर हैं। यहाँ जब भी आप बाहर जाते हैं दिल्ली में, ये स्ट्रीट ये कॉर्नर जो होते हैं वहाँ पे भी मिल जाते हैं, ये हर जगह मिल जाते हैं। लाजपत नगर के तो बहुत ही मशहूर हैं, और ये चांदनी चौक हर जगह मिलते हैं। ये तो बहुत ही मशहूर है और बहुत ही शौक़ से खाते हैं ये। जब भी या कभी हम मार्केट जाते हैं तो हम भी खाते हैं। तो आज मैंने घर पर ही बनाए हैं, देखिए इसकी रेसिपी मैंने किस तरह से बनाए हैं। और बहुत ही इजी है घर पर बनाना, और बहुत ही डिलीशियस बने थे घर पर, तो आप जितना चाहो खा सकते हो। और देखिए इसकी रेसिपी कितनी इजी है। ये देखिए मैंने इसमें तीन तरह की दाल ली हैं, उड़द की दाल है धुली हुई, और मूंग की दाल थी, और चने की दाल थी। ये चटनी के लिए हमने लिया है, एक नींबू है, तीन चार ये हरी मिर्च हैं, थोड़े से हमने पत्ते लिए मूली के, और ये हरा धनिया है, और ये थोड़ा सा टुकड़ा है ये अदरक का। देखिए मैंने सब काट लिया है, चाहे तो आप इसमें ये देखिए मैंने इसमें डाला है काला नमक डाल रही हूँ। मैंने इसमें सिंपल नमक डाला है, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून डाला था मैंने काला नमक। और देखिए इसमें हाफ टी स्पून डाला है मैंने ज़ीरा, थोड़ी सी मैंने हींग डाली है, इससे अच्छा इसका खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा इसका खाने में अच्छा लगता है। हमने एक नींबू का रस जो था वो इसमें हमने डाल दिया है, निकाल लिया था, बहुत ही डिलीशियस लगता है नींबू के रस से। अगर आप इसमें ऐड करना चाहें लहसुन और प्याज तो ऐड कर सकते हैं, मैंने पहले इसकी चटनी बना चुकी हूँ प्याज और लहसुन डाल के, तो इसका बहुत ही अच्छा जायका आता है। जो लोग नहीं खाते लहसुन प्याज, तो मैंने ये बगैर उसकी ही बनाई है चटनी लहसुन प्याज के, अगर चाहें तो आप डाल सकते हैं, इसका अच्छा जायका आता है चटनी में। देखिए चटनी तैयार हो गई है, किस तरह से मैंने बनाए हैं ये राम लड्डू, और फेमस हैं खाने ये में बहुत दिल्ली ही के। मज़ा आता है तो ये चलते हैं रेसिपी की तरफ, देखिए लड्डू राम चटनी कितनी डिलीशियस बनी है। लड्डू के नाम से मशहूर है दिल्ली के फेमस। देखिए दाल जो नहीं है अच्छी तरह से फूल चुकी थी, ये 3-4 घंटे के लिए भिगो देने से मैंने इसको छान लिया था। अब मैंने देखिए इसको ग्राइंड कर लिया है, इसको पतला नहीं करना है और पानी भी नहीं डालना है जब आप इसको ग्राइंड करें। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं कि पीसने में नहीं आ रही है बगैर पानी के, क्या होता है ना कभी कभी मिक्सी चलती नहीं है, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दें। जितना आप इसे फेटेंगे उतना ही अच्छा ये बनेंगे लड्डू। देखिए इसमें डाला है मैंने 1 टी स्पून सॉल्ट, थोड़ी सी मैंने 2 पिंच डाली है हींग, इससे अच्छा टेस्ट आता है जब हम लड्डू बनाएंगे। आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने बनाया है। अच्छी तरह से 5-6 मिनट के लिए इसको फेंटिए, फेंटने से क्या होता है इस जो जो ना बहुत ही अंदर से फिलेपी फिलेपी बनते हैं, खाने में बड़ा मज़ा आता है, ऊपर से कुरकुरे अंदर से फिलेपी फिलेपी। तो इसे 6-7 मिनट के लिए आप या तो हाथ से फेंटिए या चम्मच से, आप जिसे भी चाहें आप इसको फेंट सकते हैं। देखिए मैंने इसे चम्मच से चलाया, पहले मैंने इसको हाथ से चलाया था, मैं चम्मच से चला रही हूँ। ये देखिए और दाल को आप जो ना ज़्यादा बारीक नहीं पीसें, थोड़ा सा दरदरा ही रखें, दरदरे से थोड़ा सा बारीक कर लें, बिल्कुल भी इसको वो नहीं बनाएं बारीक। तो इससे क्या होता है हमारे जो लड्डू ना बहुत अच्छे बनेंगे, और आप बाज़ार में जो खाते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। देखिए चटनी भी तैयार है, और दिखाते हैं इसके बगैर तो अधूरी है, मूली भी दिखाती हूँ। मूली और पत्ता जो मैंने मूली को मैंने कस कर लिया था, घिस लिया था इसे कद्दूकस में, ये मूली मैंने कस ली है। देखिए बारीक बारीक मैंने मूली के पत्ते काट दिए हैं, अब मैं दोनों को मिला दूंगी तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और देखिए हमारी चटनी भी तैयार है, और अब हम चलते हैं। अब मैंने चूल्हा जला दिया है, मैंने ऑयल पकने के लिए रख दिया है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। अब देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। अब मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिए हैं ये चटनी, इससे जो ना अच्छा जायका आता है क्योंकि इसमें मूली के पत्ते भी हैं, तो जो हम ये जो लड्डू बनाएंगे तो इसमें का जायका है और बढ़ जाएगा, और इसमें खुशबू आएगी। तो अगर अगर आप 1 चम्मच ये चटनी डाल के और करेंगे तो और इसका जायका बढ़ जाएगा, तो ज़रूर ट्राई करें। और देखने में तो जितने डिलीशियस लग रहे थे खाने में उतने ही बहुत ही जायकेदार बने थे, तो आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लिया है, इससे क्या होता है देखिए कितना फ्लैपी हो गया है ये,
तो इससे हमारे लड्डू अच्छे बनेंगे, फूले फूले। और जब मैं डालूंगी, देखिए आप खुद ही ये घूमेंगे इसमें, आप खुद ही पलट जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी इसमें मेहनत होती है, लेकिन बाद में बड़ा मज़ा आता है खाने में। देखिए मैं मिर्ची बनाऊंगी, मिर्च में बीच में से मैंने कट कर दी है। अब इसमें मैं लगाऊंगी चाट मसाला और नमक, मिक्स करके मैं इसमें भर दूंगी। बहुत ही डिलीशियस ये मिर्ची बनी थी हरी। ये भी देखिए, जो जैसे आप मार्केट में राम लड्डू जो आते हैं, उसके साथ मिर्ची भी मिलती है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो मैंने उसी तरह से बनाया है। अब मैं डिप करूँगी, डालती जाऊँगी। देखिए अभी हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब चलते हैं हम किस तरह से बनाते हैं, आप देखते रहिए। पहले हम हाथ में देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ, इस तरह से डालना, बहुत ईजी है इसका बनाना। इस तरह से लीजिए और ऐसे डालिए, एक एक करके छोड़ते जाइए इस तरह से। जितने आपके इस पैन के अंदर आ जाएंगे उतने ही डालें, जितना आपका पैन होगा। जैसे मेरा पैन ये बड़ा है, तो मेरे ज़्यादा आएंगे, तो मैं उसी हिसाब से डालूंगी। और ये चिपकेंगे बिल्कुल नहीं आपस में, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। देखिए ये घूमने लगे, देखिए अभी से ये पलटा खाने लगे, और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। ये दिल्ली के बहुत ही फेमस हैं ये राम लड्डू, हर जगह मिल जाते हैं ये। ये देखिए, तो आपको मैंने इतनी अच्छी रेसिपी बताई है, तो आप जो ट्राई करें, आप घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कैसे घूम रहे हैं, ये खुद ही पलटा खा रहे हैं। देखिए तो आप बनाएं, जो ट्राई करें, या कोई मेहमान आए तो आप बना सकते हैं, या बच्चों की जैसे बर्थडे पार्टी होती है या और कोई फंक्शन होता है घर में, तो आप बना सकते हैं। बहुत ही खाने में ही डिलीशियस लगते हैं, और चटनी भी बनाना कितना इजी है, मैंने आपको पता है। आप चटनी बना लें हाथ के हाथ, तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं, बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे, हमें ज़्यादा हाई नहीं रखना है फ्लेम, क्योंकि जितनी हम मीडियम पे इसको सेकेंगे, ऊपर से उतने ही कुरकुरे बनेंगे। देखिए अब मैं थोड़ा सा इसको घुमा दे रही हूँ, देखिए कितने गोल गोल बने हैं ये। देखिए थोड़ा सा हमने इसे अलट पलट कर दिया है, ये कितने गोल गोल बने हैं, और बहुत ही कुरकुरे बने थे। इसे आप इफ्तारी में भी शामिल कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो देखिए कैसे पलटा, कैसे गोल गोल घूम रहे हैं, खुद ही घूम रहे हैं। देखिए ये बहुत ही फ्लैपी बने हैं ये। तो ये थी हमारी तीन तरह की दाल, मूंग की दाल थी ये, और उड़द की धुली हुई दाल थी वो मैंने थोड़ी सी ली थी, और चने की और मूंग की ये मैंने बराबर ली थी, ये आधा आधा कप थी, और ये 5 टीस्पून थे उड़द के। देखिए कितने फ्लफी बने हैं, एकदम मोटे मोटे हो गए, गोल गोल देखिए, और ऊपर से एकदम कुरकुरे। तो कितना इजी है घर पे बनाना, तो आप जरूर ट्राई करें। और घर पर तो आप जितना मन करे आप खा सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गए हैं। अब ये अब मैं फिर डाल रही हूँ, वो मेरे तैयार हो चुके हैं। अब ये मैं दूसरी बार डाल रही हूँ, इस तरह से डालना है। देखिए आप ऐसे लीजिए हाथ में, एक एक डालिए इस तरह से, तो बहुत ही इजी है इसका डालना, और ये गोल गोल खुद ही घूम रहे हैं इसके अंदर।
तो ये बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाते हैं ये, और खाने में बहुत ही लजीज लगते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले जो ना ये मूली मैंने सब इसको मूली को कद्दूकस कर लिया था सब ये मैंने, और चटनी भी पहले बना बना ली थी तो ये इजी हो गया बहुत ही है। और मैंने दाल भी पहले पीस के रख दी थी, तो अब मैं बना रही हूँ तो अब मुझे बहुत इजी लग रहा है ये बनाना, तो आप भी ऐसे ही करें। और नमक, अगर आप नमक आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें जितना आप खाना पसंद करते हैं। ये देखिए कितने फूले फूले बने हैं ये गोल गोल। जब आप घर पर बनाएंगे तो आपको फ़र्क ही नज़र नहीं आएगा कि घर के बने या बाहर के, इतने टेस्टी बनते हैं और देखने में इतने अच्छे लगते हैं ये राम लड्डू, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल को नए देख रहे हैं वो भी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आगे भी मैं आपको और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताऊंगी। देखिए अभी जो ना मैंने थोड़ा सा इसको घुमा दिया, देखिए कितने गोल गोल बने, कितने मज़ेदार बने हैं। ये देखिए और ये बहुत अच्छे स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। ये हम शाम की चाय होती है तब भी हम बना सकते हैं, और ये झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। बस अगर आपका इरादा है कि हमें खाने हैं तो दाल पहले भिगो दें 2-3 घंटे पहले, तो देखिए कितने मज़े के बने हैं, लज्जतदार बने हैं। देखिए मेरे सब बन के तैयार हो गए हैं, मैंने इसको उतार लिए हैं लड्डुओं को, तो आप ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और कैसे बने थे मुझे बताना। देखिए मैं मिर्च डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था मैंने मिर्च में जो ना चाट मसाला नमक बीच में उसको कट लगाया था मिर्च में, फिर मैंने ये मसाला भर दिया था और कुछ नहीं किया था मैंने। और फिर मैंने जो ये है इसमें मैंने डिप कर दिया है, ये मैंने पेस्ट बनाया था, बहुत ही मज़े के बने थे। मिर्ची तो बहुत ही मज़े की लग रही थी, ये मोटी वाली मिर्ची होती हैं लगाती हैं ये मार्केट में, और ये तीखी भी नहीं होती और खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो देखिए अब मैं वो ही डाल रही हूँ मिर्ची, मिर्ची का भी अलग स्वाद आता है। तो हमारा पूरा कंप्लीट जैसे मार्केट से लाते हैं ना लड्डू जो लाते हैं राम लड्डू, तो उसके साथ में वो मिर्ची भी देता है, तो देखिए उसी तरह से मैंने बनाया है बिल्कुल उसी, और जो बच गया था फिर उसके मैंने लड्डू बना दिए। और ये झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। अब देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए बन गए हैं सीख गए, थोड़ा सा मैंने अलट पलट कर दिया।